अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये मेरे पास एलजी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये इसका मॉडल नंबर है WFT13D80EP और इसमें मसला ये है कि यूई का एरर शो करती है। यूई का एरर शो जो है ना, कस्टमर का कहना है कि वॉशिंग पे बिल्कुल सही काम करती है, जब स्पिन पे आती है और रिंस पे तो ये जो है ना यूई का एरर शो करती है, यूई का एरर शो करती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो देखें पानी है, इसने अच्छे से पानी जो है ना वो ड्रेन नहीं किया। मतलब है कि इसमें ड्रेन पंप में फॉल्ट है, ये या तो फिर वो ड्रेन पंप जो है ना वो बिल्कुल नहीं चलता। ये भी हो सकता है कि ड्रेन पंप जो चलता है क्योंकि पानी अभी इसमें बहुत कम है। अगर ड्रेन पंप ना चलता होता तो इसमें पानी जो है ना वो नहीं निकलना था, लेकिन इसमें पानी जो है ना वो बहुत कम रह गया है। पानी पूरा जो है ना वो ड्रेन पंप ने अच्छे से ड्रेन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ड्रेन पंप में जो है ना वो कोई कचरा वगैरह है जो पानी जो है ना अच्छे से ड्रेन नहीं करता और यूई का एरर शो करता है। तो अभी मैं जो है ना इसके ड्रेन पंप को खोलता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला है। ये दोस्तों इसका ड्रेन पंप है। ड्रेन पंप जो मैंने पहले बता चुका हूँ चलता है, अगर ना चलता होता तो ये पानी जो है ना बाहर ना निकालता। ये आप देख सकते हैं पानी जो है ना वो बाहर आया हुआ है। तो अभी इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है ना वो जो मेरे जेन में है, इसके अंदर जो है ना कचरा हो सकता है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो अच्छे से पंप जो है ना वो ड्रेन नहीं करता। बाउल के अंदर जो है ना पानी, ड्रम के अंदर अभी भी पानी है। ये देखिए पूरे अच्छे से ये पानी ड्रेन नहीं हुआ। ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर पानी है। अभी मैं इसको खोलता हूँ, खोल के इसको चेक कर लेता हूँ। एक पैप इसका ये लगा हुआ है और ये इन है और ये यहाँ से पानी इसका आउट होता है। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको खोल दिया है। ये देखिए अभी मैंने इसको खोला, पानी बाहर आना जो है ना वो शुरू हो गया। तो दोस्तों ये देखिए इसके अंदर मुझे लगता है, ये देखें इसके अंदर कॉइन फंसा हुआ है। एक तो ये है लेकिन इसका इतना मसला नहीं है, ये तो आगे है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी होगा जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कॉइन था जिसकी वजह से ये। अभी मैं इसको घुमा के चेक कर रहा हूँ, मोटर जो इसकी है वो अच्छे से घूम रही है। अब हम इसका ये वाला पाइप चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी कॉइन है, ये देखिए वो आपको नजर आ रहा होगा, ये इसके अंदर भी कॉइन फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये पंप तो चलता था लेकिन पानी अच्छे से बाहर नहीं निकलता था। ठीक है, जब पानी इसके अंदर होगा तो हमारा जो सेंसर इसके अंदर होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, वो इसको पानी को सेंस करता है कि हमें बताता है कि आपने इतने टाइम पे ये जो स्पिन है, स्पिनर का टाइम था इतना, इसका 5 मिनट टाइम था स्पिन का, लेकिन 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर उसने पूरा पानी को बाहर नहीं निकाला, तो उसने सेंसर ने इसको सेंस किया और एरर देना शुरू कर दिया, यूई का एरर। ठीक है, ये देखिए ये जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉइन फंसा हुआ है। अभी मैं इस कॉइन को बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के फिर हम दोबारा इसको पानी डाल के इसको चेक करेंगे। ये देखें ये दो ये हैं, एक ये वाला ये कॉइन, ये आप देख सकते हैं ये जो है इसके अंदर कॉइन जो फंसे हुए थे, ये वाला जो सिल्वर कलर का कॉइन था इसके अंदर जो है ना अंदर से ऐसे जो है ना आया हुआ था, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो पूरा बाहर नहीं निकल रहा था और जो सेंसर जो है ना वो हमारा यूई का एरर दे रहा था। ठीक है, ये मैंने कॉइन बाहर निकाल दिए हैं।
फिर भी मैं अच्छी तरह से दोबारा फिर चेक कर लेता हूँ इसके अंदर कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इधर दिखाएं ज़रा इसकी यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अभी जो है ना वो ये घूमना उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं जो पाइप मैंने उतारे थे दोबारा लगा देता हूँ। लगा के इसमें पानी डाल के हम दोबारा चेक करेंगे कि आया कि इसने हमारा मसला हल हुआ है या नहीं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लगा दिए। अभी मैं पानी डाल के इसमें दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने पंप की जो पाइप वगैरह लगा दी है, अभी दोबारा इसमें पानी डाल के स्पिन पे इसको चला के चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अभी पानी जो है ना अभी आना शुरू हो जाएगा। ये देखें पानी जो है वो आना शुरू हो गया है। सिर्फ मैंने अभी आपको, क्योंकि आप वीडियो जो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने बस आपको पानी का प्रेशर चेक करवाना है कि पानी का जो प्रेशर था वो पहले कम था, अभी पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से जो सिक्के थे कॉइन थे वो निकाल दिए हैं। अभी यूई का एरर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करके दोबारा जो है ना इसको स्पिन पे करता हूँ ताकि हमें पानी का प्रेशर जो है ना वो चेक कर लें। अभी मैं इसको स्पिन पे करता हूँ ये प्रोग्राम। ठीक है, ये देखिए स्पिन ओनली 13 मिनट। अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, ये देखें, ये देखें, आपने पानी का प्रेशर देख लिया। पहले जो है ना पानी बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है ना बाहर आता था, अभी फुल जो है ना वो पानी जो है ना वो बाहर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा जो है ना मसला हल हो गया है, स्पिनर भी जो है ना वो चलना शुरू हो गया है। ये देखिए ठीक है दोस्तों, अभी जो है ना हमारा, अभी मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी मैं इसको, ये देखिए पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर जो है वो पानी रह जाता था, यहाँ तक जो पानी बाकी रहता था और यूई के एरर आता था। अभी पानी भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमारा स्पिनर जो है ना वो ऑन हो गया है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।